तो गाइस डीन एम्ब्रोस के जैसा ये भी पता चल जाए कि आखिर वो कौन कौन से रेसलर हैं जो यहाँ पर डीन एम्ब्रोस के जैसे रिटर्न करने वाले हैं इस बार रॉयल रंबल में, और उसके बाद इस बार रॉयल रंबल का विनर्स कौन होने वाला है। और गाइस बेसिकली इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि 30 सुपरस्टारों में से किसका कब यहाँ पर एंट्रेंस होगा रॉयल रंबल में। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए। तो गाइस इस बार रॉयल रंबल में जो सबसे पहले एंट्रेंस होने वाला है वो होगा यहाँ पर कोडी रोड का। वैसे गाइस आपको ऑलरेडी पता होगा जो 2023 का रॉयल रंबल विनर्स थे वो कोडी रोड ही थे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है क्या इस बार भी यहाँ पर कोडी रोड इस बार रॉयल रंबल विनर्स होने वाले हैं? उसके बाद यहाँ पर नंबर टू पे एंट्रेंस होगा यहाँ पर सिंसे नाकामोरा का। वैसे गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिंसे नाकामोरा एक बार भी यहाँ पर रॉयल रंबल विनर नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ इनका फ्यूड स्टार्ट हुआ था जिसमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने काफी पूरी तरह से हरा दिया था सिंसे नाकामोरा को। उसके बाद गाइस यहाँ पर नंबर थर्ड पे एंट्रेंस होने वाला है फिन बैलर का। वैसे यहाँ पर फिन बैलर का अभी कोई भी चांस नहीं है इस बार रॉयल रंबल विंस करने के लिए क्योंकि इनके हाथ में ऑलरेडी एक चैंपियन है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं इस समय फिन बैलर यहाँ पर जजमेंट डे के मेंबर्स हैं इस समय। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट नंबर फोर पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा जॉनी गार्गेनो का। हालांकि गाइस यहाँ पर जॉनी गार्गेनो काफी पहले ही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू कर चुके पर इनको एक बार भी मौका नहीं मिला यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस शो अप करने के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर नंबर फाइव पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है यहाँ पर ऑस्टिन थियरी का। वैसे गाइस यहाँ पर ऑस्टिन थियरी काफी कम समय में इन्होंने काफी अच्छे अच्छे सुपरस्टार को फेस कर लिया है जैसे कि यहाँ पर दी रॉक हो गए, उसके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गए। उसके बाद इस बार रॉयल नंबर में नंबर सिक्स पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है कार्मिलो हाइस का। वैसे गाइस कार्मिलो जो कि एनएक्सटी के काफी अच्छे खासे रेसलर माने जाते हैं पर इनका जल्द ही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू होने वाला है और गाइस इनके परफॉर्मेंस को लेकर ट्रिपल एच ने काफी सराहना भी दिया है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर सेवन पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है इस बार रॉयल रंबल में जेडी मैकडॉनफ का। वैसे गाइस देखा जाए तो जेडी मैकडॉनफ भी इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी अच्छे रेसलर माने जाते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जजमेंट डे के मेंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर एट पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है यहाँ पर जैक राइडर के मेंबर्स का यहाँ पर इवो का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंट्रेंस देखने को मिलेगा यानी कि नंबर नाइन्थ इंटेंस देखने को मिलेगा मैट कार्डोवा का। तो गाइस ये भी कुछ समय पहले यहाँ पर एनएक्सटी के रेसलर हुआ करते थे जिनका यहाँ पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते और नंबर टेंथ में यहाँ पर इंटेंस होगा नाइजीरियन जायंट ओमोस का। तो गाइस यहाँ पर ओमोस का जो लास्ट टाइम फ्यूड हुआ था वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ ही हुआ था। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को गायब होने के बाद ओमोस में यहाँ पर फ्यूड इनका समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर इलेवंथ पोजीशन पे जो इंटेंस देखने को मिलेगा रॉयल रंबल की तरह से वो यहाँ पर होंगे गुंथर। गाइस यही से गुंथर का फ्यूड स्टार्ट होने वाला है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच जहाँ से इनके बीच यही फ्यूड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12वें नंबर पे यहाँ पर इंटेंस होगा रॉयल रंबल की तरह से ब्रॉन ब्रेकर का। तो गाइस यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भी एनएक्सटी के काफी अच्छे खासे रेसलर माने जाते हैं, इनका भी इंटेंस होने वाला है इस बार रॉयल रंबल में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 13 पे यहाँ पर इंटेंस होने वाला है रॉयल रंबल की तरह से ऑलमाइटी बॉबी लैशली का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 14th नंबर पे इंटेंस होगा कैरियन क्रॉस का। वैसे गाइस यहाँ पर कैरियन क्रॉस ने काफी पहले ही कंप्लेन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ कि उनको एक बार भी मौका नहीं मिला यहाँ पर किसी रेसलर को फेस करने के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 15 पे इंटेंस होगा इस बार रॉयल रंबल में ड्रू मैकइंटायर का। वैसे गाइस इस बार रॉयल रंबल विन करने के लिए ड्रू मैकइंटायर डिजर्व करते हैं पर यहाँ पर मौका मिले तो तब तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार रॉयल रंबल विन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 16 पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा रॉयल रंबल की तरह से यहाँ पर सेंटोस एस्कोबार का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 17 पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा रॉयल रंबल की तरह से यहाँ पर डेमियन प्रेस्ट का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 18 पे होने वाले हैं कार्लिटोस। हालांकि गाइस यहाँ पर कार्लिटोस जो लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले थे वहाँ पर 2023 के रॉयल रंबल में देखने को मिले थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कार्लिटोस के साथ जहाँ इस बार भी 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है कार्लिटोस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 18 पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा डोमिनिक मिस्टीरियो का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 19 पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा सैमी जेन का। वैसे गाइस इस समय सैमी जेन डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी समय से गायब भी हैं, हो सकता है कि इनके यहाँ पर एक बार फिर से रिटर्न हो जाए इस बार रॉयल रंबल में। उसके बाद गाइस इस बार रॉयल रंबल आपको 20th पोजीशन पे एंट्रेंस देखने को मिलने वाला है बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। तो गाइस इस बार ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर इस बार रॉयल रंबल में एंट्रेंस होने वाले हैं। जहाँ आने के बाद ब्रॉक लेसनर का फ्यूड स्टार्ट हो जाएगा गुंथर को और यही ब्रॉक लेसनर ही गुंथर को डिथ्रोन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 21th पोजीशन पे एंट्रेंस होने वाला है यहाँ पर सीमस का। तो गाइस यहाँ पर सीमस को लगभग 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं इनको लास्ट टाइम डब्ल्यू में दिखाई दिए, हो सकता है कि इनका एक बार भी रिटर्न हो जाए इस बार रॉयल रंबल में। उसके बाद यहाँ पर नंबर 22 पे यहाँ पर एंट्रेंस होगा चैड गेबल का। उसके बाद यहाँ पर रॉयल रंबल का जो नेक्स्ट एंट्रेंस आपको देखने को मिलने वाला वो होगा यहाँ पर बिग ई का। तो गाइस यहाँ पर बिग ई का जो नेक्स्ट सर्जरी हुआ था काफी पूरी तरह से सक्सेस
सक्सेसफुल हो चुका है, तो एक बार फिर से यहाँ पर बेगी अपना रिटर्न दिखाई देते हुए मिल जाएंगे इस बार रॉयल रंबल में। उसके बाद यहाँ पर नंबर 24th पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा येलो नाइट की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर 25th की तरफ से एंट्रेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर सोलो सिकोवा का, और यहाँ पर फाइनली 26th पोजीशन पे एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ सीएम पंक का। तो गाइस यही रेसलर सीएम पंक ही इस बार रॉयल रंबल में विंस करने वाले हैं, आप 100% ये कंफर्म मान लो, आप लिख भी सकते हैं इसको, सीएम पंक ही इस बार रॉयल रंबल को विन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 28th पोजीशन पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा जे उसो की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर 29th पोजीशन पे होंगे इस बार रॉयल रंबल में जो एंट्रेंस करने वाले वो होंगे यहाँ पर जिमी उसो, और फाइनली लास्ट इस बार रॉयल रंबल में जिनका एंट्रेंस होने वाला है वो होंगे यहाँ पर MJF।